यूके को भारत में मिलाने की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। इस बार ये चर्चा और किसी ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। सीएम योगी ने कहा है कि अब तो पीओके के लोग भी कहने लगे हैं कि हमें भारत का हिस्सा बनाइए, आज कश्मीर कोई मुद्दा नहीं रह गया। ये प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है। दरअसल सीएम योगी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान पहले तो उन्होंने मंच से अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में राम लल्ला विराजमान होने जा रहे हैं। पहले ऐसा समय था कि जब एक नारा लगता था उसके जवाब में लोग दूसरा नारा लगाते थे, लेकिन अब करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अब तो पीओके के लोग कहने लगे हैं कि हमें भारत का हिस्सा बनाइए, आज कश्मीर कोई मुद्दा नहीं रह गया। ये प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है। बता दें ये पहला मौका नहीं था जब सीएम योगी ने पीओके को लेकर कोई बात कही हो। कुछ समय पहले भी उन्होंने जमकर पाकिस्तान को लताड़ा था और पीओके की बात कही थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की हालत कंगालों जैसी हो गई है, कंगाल पाकिस्तान के साथ अब पीओके नहीं रहना चाहता, पीओके में भारत के साथ मिलने की मांग उठ रही है। उस वक्त सीएम योगी ने पाकिस्तान की असल हालत के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लोग भूखे हैं, एक रोटी के लिए वहां लड़ाई हो रही, दूसरी तरफ भारत में लगातार विकास जारी है। खैर सीएम योगी की बात से आज पूरा भारत सहमत है। पाकिस्तान की हालत आज क्या है दुनिया जानती है। चीन से मिले कर्जे पर वहां की सरकार चल रही, आए दिन धमाके बमबारी से लोगों की जान जा रही, महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और वहां की आवाम आज अपनी सरकार को कोसने में जरा भी पीछे नहीं रहती। पीओके में भी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा। दूसरी तरफ भारत ने जो तरक्की पिछले कुछ सालों में की उसका नतीजा आज दुनिया के सामने है। बड़े से बड़ा देश आज भारत के साथ व्यापार करना चाह रहा, अमेरिका रूस ब्रिटेन इन सारे देशों से आज भारत के संबंध काफी मधुर है। रही बात पीओके की तो ये बात तो सही है कि वहां रह रहे लोगों को भारत आने का मौका मिले तो शायद वो पीछे ना हटे। खैर सीएम योगी की कही बात पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।